तो चलिए खोलते हैं। वेल नॉट रियली दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन राखी नई वीडियो में आपका स्वागत है और ये है TWIT एपिसोड 2। और इस वीडियो के अंदर हम लोग हर वीकेंड सैटरडे या फिर संडे आपको बताते हैं इस हफ्ते के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और यहाँ पर सबसे पहला अपडेट यह है कि हमने शुरू किया है एक नया यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक खोलकर। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन एरिया में या फिर आप जा सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर YouTube के ऊपर सर्च कीजिए टेक खोलकर और आपको मिल जाएगा हमारा ये नया चैनल। एंड वहां पर होंगी काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले दिनों में, जहां पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग खुलासे भी मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं किसी चीज के बारे में हम बात करें तो डेफिनेटली अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम आने वाले वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे एवरी मंडे एंड एवरी फ्राइडे। तो वो है एक क्विक अनाउंसमेंट टेक खोल करके बारे में। इसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पे इस वीकेंड धमाका हो गया। कैरी ने अनाउंस कर दिया अपना नया वीडियो जो है एक रैप सॉन्ग नेम्ड यलगार। और यहाँ पर कोई गाली नहीं है, ऑफ कोर्स उसके अंदर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइंस है जहां पर क्लियरली यही बोला था कि मतलब इंग्लिश में आप बोलो गाली तो मतलब लगती है कूल, लेकिन जब आप वही चीज बोलते हो हिंदी में तो बन जाते हो फूल। मतलब इसी तरह काफी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बोले थे एंड दे डू मेक सेंस राइट। आओ गेम को शुरू करते हैं। यलगार एवरी लाइन वॉज आग। थैंक यू सो मच अमित भवानी, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और उसी के साथ साथ उन्होंने काफी क्लियर मैसेज भेज दिया था हेटर्स को कि आप हेट करते रहिए, हम आगे बढ़ते जाएंगे, बट वॉट एवर द पॉइंट इज आप सपोर्ट करो कैरी को या ना करो, एक्सेप्ट और नॉट, अभी के लिए कैरी बन गया है नंबर वन यूट्यूबर इन टर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम इंडिया। मतलब उनके सब्सक्राइबर बेस ने बीट कर दिया अमित भड़ाना के नंबर्स को भी, और वो एक काफी इंटरेस्टिंग आई थिंक पॉइंटर है। अब चलिए बात करते हैं टेक की खबरों की, और यहाँ पर हमारे पास आ गया था OnePlus 8 इस हफ्ते। और ये है OnePlus 8 का बॉक्स जो है एक इंडियन रिटेल यूनिट जो आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये फोन हमारे पास आ गया है। दो आई एम नॉट दैट इम्प्रेस्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके कंपेयर में तो 70 प्रो ही बेटर था। यस, नया प्रोसेसर आ गया है, बट कैमरा डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। और मैं एक्साइटेड हूँ OnePlus 8 Pro के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें देखने मिलेंगे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स, लेकिन ये वाला इतना मुझे कूल नहीं लगा। अगेन ये है OnePlus 8 जो हमारे पास रिसेंटली आया था, ऑफकोर्स दो बार सेल भी हो चुका है और एक महीने के बाद, विच इज़ नॉट समथिंग आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम OnePlus, जो कि नॉर्मली वो एम्बार्गो पे चीज़ें लॉन्च से काफ़ी पहले ही भेज देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने इसी हफ्ते एक वीडियो बनाया था Realme के Buds Air Neo को लेकर। 2999 के प्राइस पॉइंट के ऊपर काफ़ी अच्छे ईयरफोन्स हैं, और इसे मैंने कंपेयर किया था Redmi Earbud S के साथ, मतलब जो मेरे पास ऑलरेडी थे जिसकी प्राइसिंग है 1800 रुपये। 1200 रुपये एक्स्ट्रा देकर क्या आपको स्पेशल चीज़ें मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, और एक गिव अवे भी मैंने उसी के अंदर शेयर कर दिया था। उसके बाद दोस्तों इस हफ्ते मैंने ज्वाइन किया था एक बहुत ही लंबा जूम कॉल, जहां पर एक ब्रांड ने अपने आने वाले लैपटॉप के बारे में मुझे डिटेल शेयर किए थे, और बहुत ही लंबा जूम कॉल था। बट ट्रस्ट मी, वीडियो के बाद ऐसा लगता है कि आई एम प्रेटी मच एक्साइटेड फॉर अ विंडोज बेस्ड लैपटॉप, फॉर अ पर्सन हु हैज ऑलवेज, आई मीन नॉट ऑलवेज बट पिछले एक डिकेड से, आई कैन से पिछले 10 साल से मैं यूज कर रहा हूँ मैक, और अब लगता है कि बॉस विंडोज आ सकता है मेरे पास और मैं खेलूंगा उसके ऊपर एज ऑफ माइथोलॉजी, जो मेरा फेवरेट गेम रह चुका है। एंड ऑफकोर्स जब से मैक आया है मुझे एक बात याद आई कि मैं कंप्यूटर पे गेम खेलना ही भूल गया हूँ, एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद मैक, बट विंडोज सपोर्ट्स दैट। और तो स्टे ट्यून्ड, 11th जून को हमारा नया वीडियो आ जाएगा उस नए लैपटॉप को डिटेल्स को लेकर, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द कंप्लीट अनबॉक्सिंग। अब चलिए मैं देता हूँ कुछ सवालों के जवाब जो आपने मुझे पूछे थे आस्क अमित भवानी हैशटैग को लेकर। यहाँ पर पहला सवाल था, आई वुड लाइक टू सी अ डेमो of the mopping function of the Mi robot in this video or the episode of TWIT if it's not too late. Well, मैं अभी तो office लेके नहीं आया हूँ उस robot को, but then I'll try to make a video very soon, क्योंकि वो you know mopping का feature भी अभी काम करता है। Inside the thing, मतलब जल्दी से बता दूँ तो इतना मज़ा नहीं आता है उसको use करने में, लेकिन that said, stay tuned, आने वाले दिनों में उसके बारे में बता दूंगा। इसके बाद अगला question है, I think question ये यहाँ पर series of questions है, TWIT series का idea कहाँ से आया? Well, ये idea
आइडिया इसी के ऊपर आया कि मुझे लगा कि मैं डेली टेक न्यूज शेयर नहीं करता हूँ, बट वाई नॉट शेयर एवरीथिंग व्हाट हैपेंड इन अ होल वीक एंड मैं आपके सामने पूरे हफ्ते का एक कंप्लीट अपडेट दे सकता हूँ। अगर कोई एम्बार्गो के रूल्स तोड़ता है तो क्या ब्रांड लीगली कुछ कर सकता है? वेल यस, ब्रांड लीगली कर सकता है। अगर आपने एक एम्बार्गो साइन किया है उसके बाद अगर आप उसको तोड़ते हो तो मेरे सामने, मुझे पता है काफी लोगों के साथ, उन्होंने कुछ लोगों के साथ लीगल एक्शन लिया है, कुछ लोगों को फाइनेंशियली उन्होंने चार्ज भी किया है कि भाई आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, मतलब पैसे ना दो तो काम करो, या फिर उनको परमानेंटली ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया है। तो मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग चीजें होती हैं, बट दैट्स ऑल द होल अबाउट अ पॉइंट अबाउट एम्बार्गो। एम्बार्गो इज मोर लाइक अ सॉफ्ट कॉन्ट्रैक्ट जहां पर आपने कंपनी को बोला कि आपके जो भी डिटेल्स आप हमें दे दीजिए और उसके अगेंस्ट हम आपके प्रोडक्ट को कवर करेंगे और उसी समय पे हम पब्लिश करेंगे जब आप उसके बारे में हमें टाइम बता दोगे। जनरली होता है जब भी प्राइस अनाउंस होती है फोन की या प्रोडक्ट की, तब उस टाइम पे एम्बार्गो लिफ्ट हो जाता है। अगर आप कोई फोन बनाते हो तो आपका फोकस सबसे ज्यादा किस पे रहेगा? फीचर्स सब आप सीरियसली बोल सकते हो? मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा फीचर्स के ऊपर, बिकॉज आई थिंक फीचर वाइज तो मतलब आप 8 GB रैम दोगे तो लोग बोलेंगे 12 GB दे दो, आप 128 GB दोगे तो लोग बोलेंगे 256 दे दो, तो यहाँ पे भूख तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। बट वॉट वुड रियली मैटर इज मोर ऑफ अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर। तो मुझे ओवरऑल तो मतलब अगर मैं बात करूँ तो कुल मिला के वन प्लस तो वैसे भी बहुत ही अच्छी चीज़ें दे ही रहा है, उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वन प्लस के अलावा सॉफ्टवेयर भी ऑक्सीजन बहुत ही अच्छा है। आई थिंक सर्विस इज वन इंपॉर्टेंट एरिया और प्राइस इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर लोगों को ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि एक बार लोगों को लगता है कि पहला फोन सस्ता मिल गया तो अगला वाला महंगा क्यों है, अगर पहला वाला ही महंगा दे दो तो फिर दे आर ओके आई गेस। तो आई थिंक इसके ऊपर बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, बट देन सुमित आई थिंक मेक्स अ फेयर पॉइंट कि किस तरह का फोन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रवि कुमार का, पूछते हैं कि अमित सर OnePlus 8 Pro की अनबॉक्सिंग कब आ रही है? वेल वो आ रही है इसी हफ्ते, अभी हमारे ऊपर उसके ऊपर एम्बार्गो है, तो आने वाले दिनों में आई थिंक 13th ऑफ दिस मंथ वी विल पब्लिश द OnePlus 8 Pro's अनबॉक्सिंग। इसके बाद हम बात करते हैं गिव अवे विनर्स की, और उसी के साथ साथ मेरे पास एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपके लिए। दोस्तों यहां पर कुछ दिन पहले लॉकडाउन के समय में एक हमारे सब्सक्राइबर है जिनका नाम है विनायक त्रिपाठी, उन्होंने ट्वीट किया था कि Xiaomi के गिव अवेज में काफी सारा फ्रॉड हो रहा है, वो अपने ही विनर्स को प्राइजेस दे रहे हैं। ये सब चीजें चल रही थी, उसी के बीच में मैंने भी उनको जवाब दिया कि हो सकता है, आई एम नॉट श्योर Xiaomi की टीम इसके बारे में जवाब देगी, और उन्हीं के बीच में उन्होंने मुझे याद दिलाया कि हमने आज तक उनको नोकिया 3310 नहीं भेजा, जो हम वो बेसिकली हमारे चैनल पे जीते थे, एंड वी वर शॉक्ड। मतलब नॉर्मली हमारी आदत होती है कि यस कभी कभी डिले हो जाता है, कभी कभी कुछ महीनों तक डिले होता है, बट एक साल डेढ़ साल तक डिले तो नॉट एक्सेप्टेबल। तो ऑफकोर्स विनायक, अब हमारे पास एक अपडेट है कि हम आपको भेज देंगे एक बेटर स्मार्टफोन नोकिया 3310 के बदले में। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो वी हैव ए कम्प्लीट बॉक्स जहाँ पर हम सारे गिव अवे प्राइजेस जो भी अनाउंस करते हैं, गिव अवे हो रहा है तो सारे प्रोडक्ट्स उसी के अंदर रख देते हैं। एंड नाउ देयर इज अ अपडेट कि कल से हमारे यहाँ पर पैकेजेस पिकअप होना शुरू हो गया है। नॉर्मली मतलब लोगों को लगता है कि ऐसे लॉकडाउन खत्म हुआ तो प्राइस शिप क्यों नहीं हुआ, बस लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरियर की कंपनीज अभी पैकेजेस एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। हाँ, फोन की कंपनी से करती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक साथ 50-100 पैकेजेस हर दिन, 200 पैकेजेस जाते हैं, हमारी ऑफिस से 1-2 कोरियर जाते हैं वंस इन ए वाइल, तो ऑब्वियसली कंपनीज इतना फोकस नहीं करेंगे, बट देन आने वाले हफ्ते से विल स्टार्ट शिपिंग ऑल द विनर प्राइजेस। इनफैक्ट आज इस वीडियो के लाइव होने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जिस गिव अवे कंप्लीट हो गए हैं उन सबके विनर्स के नाम भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। वेल दोस्तों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेलिंग गैजेट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेलिंग कैमराज, फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स विच वी हैव अनबॉक्स्ड। इन शॉर्ट मैं आपके सामने अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जैसे कि मेरे सामने है ये MI का TDS मीटर। अब मैंने इसको खरीदा था चाइना में जब वहां पर मैं स्टोर पे गया था। अब कभी कभी होता है कि अनबॉक्स करने के बाद मैं कोई इसकी यूज ही नहीं है, मतलब आई डोंट थिंक आई विल यूज इट इन द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, बट समवन माइट बी इंटरेस्टेड। अब ये इंडिया में अगर लॉन्च हो गया 1000 पे, मैं इसको सोच रहा हूँ बेच दूंगा 200-300 पे, आई मीन किसी का काम भी हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम मैंने भी बेच दिया, तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग थिंग्स हियर व्हाई नॉट सेल इट अवे। तो आने वाले दिनों में स्टे ट्यून्ड, हम लोग सोच रहे हैं कि स्टूडियो में जितनी भी चीजें हैं सब कुछ बेच डालेंगे। टेक्निकली मतलब स्टूडियो बंद नहीं हो रहा है, वी आर लुकिंग टू ऑब्वियसली वर्क इन द लॉन्ग रन, बट जिन चीज़ों की वैल्यू ही नहीं है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, काफ़ी सारे हमारे पास कैमराज हैं जो हम लोग स्विच करते रहते हैं। मैंने अभी कैनॉन 90D खरीदा है, तो हो सकता है मैं अपना कैनॉन 200D बेच दूंगा, जो बहुत ही अच्छा है। हमारे सारे ट्रिप्स के व्लॉग्स मैं उसी से बनाता हूँ, अभी तो ब्लॉग्स भी नहीं बन रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली द होल पॉइंट इज कि किसी ना किसी को 200D खरीदने का था ही, 50,000 में खरीदने के बदले में मैं उनको 30,000 पे अपना ही कैमरा बेच दूंगा,
इतना तो यूज हुआ ही नहीं है. तो दैट्स अ होल पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पर हम आने वाले दिनों में कुछ दिन मतलब वी आर जस्ट वर्किंग ऑन सम काइंड ऑफ सिस्टम जहां पर हम एक कंप्लीट पेज बना देंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर फोनडा के ऊपर, जहां पर आप जाएंगे एक क्विक प्रीव्यू मिल जाएगा आपको वीडियो फॉर्मेट में या फिर फोटो फॉर्मेट में. आप शेयर कीजिए किस तरह से उसको बेचें एंड विल प्रॉब्ली देन लिस्ट देम अप एंड ऑफकोर्स उसके बाद आप उसको खरीद पाएंगे. तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट TWIT वीडियो जहां पर उसी के बारे में मैं डिटेल से आपके साथ बात करूंगा इस कंप्लीट फायर सेल के बारे में. तो ये थे TWIT एपिसोड 2 ऑफ दिस वीक. स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कीजिए टेक खोलकर, क्योंकि कल आने वाला है हमारा पहला एपिसोड, पहला वीडियो जहां पर हम खुलकर बात करेंगे एक फोन ब्रांड के बारे में. दैट्स इट फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय.